देखो कॉन्करर जाना ना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट सोचो तुम्हारी 9 से 10 तक की केडियो कॉन्करर जाते हुए, तो भाई तुम तो बोलोगे अपने आप को भाई मैं तो दुनिया का बेस्ट प्लेयर हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो कैम करके कॉन्करर जाते हैं, लेकिन हमारे पायो भैया ऐसे नहीं है। देखो ये रहे हमारे पायो भैया, ठीक है, ये आई अपनी महंगी सी लैम्बोर्गिनी में, यू नो ऑफकोर्स, और सामने से आती है भाई फेक टैक्सी में लोग, एक बंदे को इसका हेडशॉट मारा और एकदम मुंह के सामने से थोड़ा सा फॉल बैक कर दिया, इसके टीममेट एक प्लेयर को नॉक किया, ओह नो उसका टीममेट नॉक हुआ यहाँ पर, उसी से एक बंदे को नॉक किया, इतनी छोटी सी गाड़ी के पीछे छुपके से जो टीपी पे लिया है एंड मूवमेंट पे, और उसके बाद जो निकल के मारा है सामने से प्लेयर ओपन में आ रहा है, उससे भी वेक्टर है भाई, भाई साहब जो 1v3 करा भी सारे के सारे क्लचेस ना कॉन्करर लॉबी के। अब जो ये गेमर बोर्ड है ये अनोखा है एंड बाकी सभी टूर्नामेंट ऐप से एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टम रूम चाहिए ही नहीं, कोई आईडी पासवर्ड का झंझट नहीं है, फ्री टूर्नामेंट से पेड टूर्नामेंट से और बड़े प्राइस पूल के साथ, ये सारे के सारे हैकर्स एंड चीटर्स से 100% सेफ एंड सिक्योर है, और स्पेशली बनाया आपके कॉम्पिटेटिव एंड ई-स्पोर्ट्स के लिए। अभी इधर 1 लाख का प्राइस पूल का टूर्नामेंट भी चल रहा है जो कि डेली इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे टीम उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बस आप अपना यहाँ पे गेम दिखा और तुरंत इन ऐप विड्रॉल से पैसे कैश आउट कर लो, और इधर कोई पैसे नहीं लेंगे तुम्हारे टूर्नामेंट ज्वाइन करने के, साइन अप तो करे यार, कैश बोनस तो गेमर बोर्ड देगा, कोई भी दिक्कत है तो टेंशन मत लो यार, 5 मिनट के अंदर वो सॉल्व भी हो जाएगी, बस इनके डिस्कॉर्ड पे जाकर के इनकी सपोर्ट टीम को याद करो जो कि हमेशा अवेलेबल है कस्टमर सपोर्ट के लिए। चलो अब आपको दिखाता हूँ गेमर बोर्ड को यूज करना कितना ज्यादा इजी है। सबसे पहले आपको आपको साइन अप करना है, अपना टीयर सिलेक्ट करना है, बस जाकर के टूर्नामेंट सिलेक्ट करके ज्वाइन करना है, प्रेस करना है प्ले बटन पे और परमिशन देनी है, बीजीएमआई ओपन करना है और अपनी बीजीएमआई प्रोफाइल को वेरीफाई करना है एंड बस गेम चालू करना है। और ये देखो ऐसे जीत सकते हो आप गेमर बोर्ड के टूर्नामेंट्स, और लो मैं भी जीत गया गेमर बोर्ड से, अब आप भी जीतोगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगला उभरता हुआ सितारा हो इस गेमिंग इंडस्ट्री का, तो भाई जाकर गेमर बोर्ड को डाउनलोड करो अभी की अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका, कमेंट सेक्शन में भी तुम्हें मिल जाएगा, और अपने गेम प्ले को दिखाओ एंड प्राइजेस जीतो। तो समझ जाओ दोस्त कि एकदम बाप लेवल का गेम प्ले है ये। ओके एक बंदे को नॉक किया भाई, देखो यूएमपी तो तुम समझ जाओ भाई आज के टाइम में बाप गन, एलएमजी हो, M249 हो, AKM हो, M762 हो, M416 हो, कोई गन यूएमपी की लेवल की नहीं है दोस्त, ये गन क्लोज रेंज में डैडी बन चुकी है, इस पे सप्रेसर लगा दोगे तो बस महा डैडी है ये, सुपर डैडी, समझ रहे हो। ओके पे ग्रेनेड फेंका है भाई उसके मुंह पे, दो बंदे नॉक कर दिए। ओके बट इसका टीममेट यहां पे नॉक हो गया, अरे अरे आगे से कहीं से गाड़ी आगे घुसी है भाई, अगली फाइट निकल के आ रही जॉर्ज पूल के अंदर, M249 उठा करके राइट साइड से बंदे को नॉक किया। ओके देखो जॉर्ज पुल का ये जो एरिया ना कंटेनर वाला, मतलब कंटेनर के बगल में ये जो यहाँ पे वेयर हाउसेस वाला एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मजा आता है लड़ने में, क्योंकि प्लेयर है पागलों की तरह इधर उधर से निकल के आते हैं भाई, और पूरी की पूरी टीम ऐसी नॉक फिनिश हो जाती है जैसे यहाँ पर हुआ, एक बंदे को नॉक किया भाई ग्रेनेड, दूसरे वाले को M249 से ले गए, वाई तो टीपी पे लेता ही रह गया, ये तो अपनी फोटो ही खिंचवाता रह गया भाई, टीपी पे लेता हुआ उसको हवा ही नहीं आई क्या हो गया, ये घुस के मार गया उसे भाई भाई भाई, उसने ड्रॉप शॉट वगैरह जितनी चीजें डिक्शनरी में सब मार दी उठा के, उसने कहा मैं बैठ भी जाता हूँ ड्रॉप शॉट भी मार देता हूँ, गोलियां भी चला लेता हूँ, नाच भी लेता हूँ, सब ट्राई कर लिया भाई, ओपोनेंट नहीं हुआ कुछ इससे तब भी। अब यहाँ एक बंदा लेफ्ट पे देखा उसको नॉक किया, लेट्स गो। अब तुम नोटिस कर रहे हो कॉन्क्रीट लॉबी में आखिर तक आते आते भाई तुम्हारी टीम में तुम ही अकेले बचते हो, उसका टाइम तुम्हारे टीम में बहुत इधर उधर यू नो भाग भूक के मर मुरा जाते। ओके सामने एक प्लेयर है, कॉन्करर जाने के लिए ना बहुत बार अपने टीममेट्स को मरने देना भी पड़ता है, टुकड़े के कहीं कहीं जाके नॉक हो जाते हैं उनके चक्कर में, कहाँ कहाँ जाओगे लड़ते हुए। मैं जब सीजन 5 में कॉन्करर गया था मैंने तो भाई कोई कहीं नॉक हो रहा है कोई कहीं नॉक हो रहा है बोलते थे अंदर भाई आके बचा लो, मैंने कहा हाँ आऊंगा अगले गेम में बचाने तुम्हें। ओके भाई अभी फुटस्टेप आ रहा है एक बंदे का, एक बंदा नीचे कूदा, दो बंदों की फुटस्टेप आ रहा है राइट साइड से, एक नीचे सामने कूदा उसको नॉक किया, नाइस M416 से FPP करके एक बंदे को नॉक किया, प्लेयर लेफ्ट साइड से आया ड्रॉप शॉट मार दिया भाई टीपी से, वाओ हो गया भाई वो तीसरे बंदे को बहुत गलत मार दिया उसने, तो तीसरा वाला मरा क्यों पता नहीं दोस्त, लाइक उसको ऐसे पिटना नहीं चाहिए था बट वो पिट गया एनीवेज। ओके थर्ड पार्टी कर दी भाई, इसे दो बंदों को नॉक कर दिया, ओह दैट्स कोरस। अब इन लोगों ने रश कर दिया, पर देखो बात ऐसी है ना कभी भी दोस्त को लड़ रही होती है ना उसके बीच में जाके ऐसे किल चुराने बहुत मजा आता है भाई, मतलब दोनों स्क्वाड के अंदर से दो दो तीन तीन प्लेयर मार दो मस्त मजा आ जाता है, बट ये M249 वाले ने भाई यहाँ पे वक्त जिंदगी बदल दिया भाई इसके टीममेट का, अरे 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 ऐसा भी हो जाता है भाई, उन्होंने कमबैक कर ली थी ऑलमोस्ट, अब यार स्कारल भी मार रहे हैं भाई, कोई क्या चल रहा है, कितने बंदे किसको कहाँ मार रहे हैं
भाई ये तो थर्ड पार्टी करने गए थे किसी ने, इनके साथ ही पार्टी कर ली, इनसे ही पार्टी ले ली भाई किसी ने, फ्री फोकट की। वो भी वो तेरा लॉन्डे जो तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे आके जबरदस्ती छीन लेते खाना, वो है इनके साथ, और कुछ नहीं हुआ दोस्तों। रश भी कर दिया उन्होंने, रोजा लेके आया। अरे बाबू भैया भाई सब वाओ, बहुत गलत प्लेयर है भाई ये। ओके एक प्लेयर को डैमेज दिया यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग होने वाला। साथ में एक प्लेयर आया सुनाफिया, अरे ये सरप्राइज प्लेयर कहाँ से आके हेडशॉट खा गया। देखो एकेएम की यही बात है, एक गोली टकले पे लग गई ना बंदा सो जाता है भाई। एकेएम से बस तुमको ध्यान रखना, एक गोली हेडशॉट पे मार दो बस खत्म प्लेयर, सो जाएगा वहीं लेट जाएगा नुबड़ी का। एकेएम और यूएमपी एक्सेस पॉइंट सबसे बेस्ट गन है। प्लेयर सामने से आया ओपन में, एक प्लेयर नॉक के पीछे एक और आने वाला है शायद, मुझे लग तो रहा है। आया भाई क्या ग्रोजा थी, उसने गोली बचाई अगले गेम के ग्रोजा बचा ली उसने शायद से, पता नहीं उस कुछ भी करते। ओके वाह, हमें गाड़ी लाके मुंह के सामने अंदर घुसा दी, सही है बहुत बढ़िया। एक ग्रेनेड फेंका ना वहां पे, फट जाएंगे भाई पूरी स्क्वाड उनकी। भाई बहुत रिस्क ले रहे रे, ऐसे खुले में जाके नीचे राइट साइड में कोई प्लेयर हो तो टीपी भी लेके मार सकता है, बट कोई पीक नहीं ले रहा उधर से। ओके अब यहाँ पे ऊपर आ गए हमारे पायो भैया, यहाँ पे ग्रेनेड को प्री कुक करा है, क्या कोई बंदा आके फंसेगा इसमें? नहीं, ऊपर से नीचे कूदे, सरप्राइज सरप्राइज टूपड़ी वालों, मेरे को सामान मिला, उसको हवा भी नहीं आई भाई, ऊपर से जो कूद के इसने मारा इसे राइट साइड से पीक लिया। वाह सही में दोस्त बहुत गंदा मार रहा है ये, पुशिंग 1v4 चिकन भाई, वो गिल्ली सूट वगैरह लेके आए भाई, पूरा लेवल 3 का सेट है उनके दोस्त भैया। ये स्कैम होने वाला है, कैब गैंग इधर, ये सारे के सारे भाई लेवल 3 का सामान लेके आए हैं। एक प्लेयर को तो से नॉक कर दिया, गिल्ली सूट वाले के साथ स्कैम कर दिया। ओके लेट्स गो, एक बार खुले में लेटा शायद ये बड़ा स्कारल का स्प्रे, अरे नहीं वो उल्टा घूम के मार रहे, अरे 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 भाई ये नॉट बैड भाई, एक और प्लेयर नॉक, आखिरी प्लेयर अलाइव है, 1v1 का सिचुएशन है और उसको जोन के अंदर आना, बट उसमें स्नाइपर है। देखो स्नाइपर की ही बात है, अगर वो खुले में भाग के आएगा उसका एम बहुत अच्छा हुआ, और पायो ने पीक लिया और उसने पट से हेडशॉट मार दिया तो स्कैम हो सकता है। तो स्क्रॉलिंग इनको ही तो भाई हेडशॉट मार दिया भाई स्मोक में ही, वाह। ओके अगली फाइट निकल के आती, यहां पे ग्रेनेड है इसके पास, एक बंदा, अरे इसके टीममेट ही फट गया क्या? नहीं, इसके टीममेट को स्टार ने मार दिया, नेवर माइंड, इसका दूसरा टीममेट भी गया, लेकिन यहाँ पे इसने ट्रेड ले लिया, एक बंदे को नॉक किया। इसके दो टीममेट नॉक है यार, इसको रिवाइव दे देना चाहिए एक को तो शायद से, बट वो ये ऊपर से कोई आ जाएगा, लेकिन नहीं। ओके एक बंदे को नॉक किया भाई, ये वाओ विक्टर भाई जॉनस ने कवर, सही है दोस्त। इसका मतलब क्या है, ये रिवाइव विवाइव बाद में देता है, ये कह रहा है पहले 1v4 कर देता है, सबको पेल देता है, उसके बाद रिवाइव विवाइव होता रहेगा, सब लोगों को उठा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। भाई गाड़ी किसने ला कर, भाई ये जो ड्राइवर जो भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन ड्राइव कर रहा था, जो भी कर रहा था ऐसे ड्राइवर्स को पता है बहुत सुनने को मिलता है गेम में भाई, जैसे बंदों के बीचों बीच ऐसे गाड़ी रोक देते हैं ना सब फोटो खिंचवाने के, अरे मेरी इंस्टा पिक्चर खींचो कोई, सब मारो मेरे को, उनके साथ बहुत स्कैम होता है भाई। गाड़ी कभी भी ऐसे खुले में नहीं रोकने के दोस्त, तो वक्त जज्बा जिंदगी बदल जाएगा। यहाँ पे अगेंस्ट टीपी पे अपोनेंट घुसने की कोशिश कर, एक बंदे को नॉक फिनिश कर दिया उसके टीममेट के सामने, उसका टीममेट गुस्सा हो जाएगा, शायद से उजी उजी लेके घुसने का ट्राई करे, लेकिन पायो भाई उसमें ही घुसने, उसने कहा रहे ऐसे तैसे मैं नीचे घुस के तुमको सरप्राइज दूंगा। बस ये जो मार रहा है ना घुमा घुमा के भगा भगा के घुस घुस के भाई, होल्डेड हो गए, वाह होल्डेड होल्डेड। एक अंदर कैंपर कैंपर, एक एक ही दो कैंपर भाई भाई, दोनों सांप लेटे हुए, उनको पता भी नहीं कोई घुस के उन्हें मार के चला गया, पता नहीं कौन सी दुनिया में है ये लोग। एलएमजी का फ्री फायर मार रहा है यहाँ पे, नाइस। देखो एलएमजी अच्छी गन है, ठीक ठाक है, इसको तुम क्रेट में क्यों डालते हो पता नहीं पबजी वालों, इसको नॉर्मली ऐसे स्पॉन कर दो ज्यादा फर्क है नहीं, M249 में आज के टाइम में सही बताओ तो तुम M249 चला लो वो भी ऐसी चलेगी। ओके सामने क्लियर, देखो उसको नॉक किया,
अब वो पहले जब भूख वगैरह नहीं था गेम में तो ऐसे कूद के जाने में बहुत मजा आता था, यू नो एकदम स्पाइडरमैन जैसी फीलिंग आती थी, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे कूद के जाना। अब भूख वगैरह का फीचर है तो तुम ऐसे ही हैकर की तरह उड़ सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, बट यू नो बिना हुक के पहले के टाइम पे ऐसे बिल्डिंगों से कूदने में भी बहुत मजा आता था। ओके इसको भी नॉक किया, फिनिश कर देगा इसको भी, नाइस। यूएमपी 1v1 के लिए बहुत बाप गन है यार, और अगर ऐसे अपोनेंट हो जो गन ऐसे पीछे रख के घुसे तो और भी बाप गन है। अरे भाई ये मित्र भाई ऊपर से कहां से आ गए भाई, एचपी वगैरह ले गए सारी, क्या ही रश कर रहे हो ऊपर से, ऊपर से बंदे घुस गए रे कूद के लग रहा है मेरे को। तारे जमीन पे हो गया भाई, फिनिश कर दिया भाई उसे, उसका टीममेट बहुत लो एचपी बचा है। ओके ये लोग रश कर रहे हैं अब उन पे, अब देखते क्या होता है, खुले में रश कर रहा है। अरे भाई साहब कोई पीक लेगा कि नहीं लेगा भाई, पीक लेने से पहले तो स्मोक उड़ा दिया उसने उसे फ्री फायर में, मुंह के सामने रहा इधर रहा लड़का, हाय आई क्यू बहुत आई क्यू हाय वाला कतई कॉन्करर लेवल का प्लेयर भाई। कर रहा था ये ऑरेंज वाला प्लेयर, अरे नूपड़ी के हेडफोन कहाँ घर पे छोड़ के आया है अपने गेम खेलने। तो भाई ये पायो भैया के हमारे कंट्रोल सेटअप कर सकते हो कोड यहाँ पे, सेंसिटिविटी तुम्हारी खुद की डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, बट तब भी अगर तुम्हें ट्राई करनी है तो ट्राई करके देख लो, क्या तुम भी पता कॉन्करर पहुंच जाओ भाई, वो भी 9-10 की केडी के साथ भाई। तो इसी के साथ गेमिंग आज शुरू करते हैं, पसंद है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, नोटिफिकेशन बेल के साथ जरूर जाकर भाई चेकआउट करना पायो को, एंड भाई सपोर्ट करना भाई को, एंड जरूर जाकर डाउनलोड करना गेमर बोर्ड को, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड पीस आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।